दोस्तों, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है शिव नारायण साहू, जो झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे पहले ही माफ कर दीजिएगा। शिव नारायण जी बताते हैं कि 10 अक्टूबर 1986 के ब्रह्म मुहूर्त के वो पल मुझसे भुलाए नहीं भूलते। पूज्य गुरुदेव ने आत्मीयता पूर्वक कहा था, बेटा, तुम मेरा काम कर और मैं तेरा काम करूंगा। प्यार में रंगे पूज्य गुरुदेव के ये शब्द आज भी उन क्षणों में गूंज उठते हैं जिन क्षणों में मेरे जीवन की कोई जटिल समस्या मुझे पंगु बना देती है। पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की तो मेरे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। पिताजी, माताजी के देहावसान के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधे पर आ गई। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आने के 23 साल बाद की बात है। पिछले कुछ समय से बीमार चल रही मेरी पत्नी श्रीमती कला देवी की डॉक्टरी जांच से पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। तब तक यह असाध्य बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी, इसलिए सभी प्रयासों के बावजूद उनका देहांत हो गया। यह 6 अक्टूबर 2006 का दिन था। अब पूरे परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी मुझ अकेले के कंधों पर आ गई थी। एक ओर मेरी बेटी सुषमा विवाह के योग्य हो चुकी थी और दूसरी ओर दो छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व भी मुझे ही वहन करना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि नौकरी की 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद घर के इतने सारे काम अकेले कैसे कर पाऊंगा। खैर, जैसे तैसे सुबह से देर रात तक अपने शरीर का दोहन करता हुआ मैं इन बच्चों के लालन पालन में लगा रहा, लेकिन इतने पर से ही बस नहीं हुआ। दुर्भाग्य मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। इन दायित्वों के निर्वहन के दौर में प्रारब्ध ने मेरी एक और कठिन परीक्षा ली। घटना सन 2009 की है। अक्टूबर का महीना था। हजारीबाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निधि सरन ने बताया कि मुझे प्रोस्टेट के साथ किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत है। घर में छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी सुषमा थी। मेरी बीमारी की बात सुनकर दोनों सकते में आ गए। उन्होंने मेरे जीवन की रक्षा के लिए भीगी भीगी आंखों से पूज्य गुरुदेव को याद किया और मुझे रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यहीं से शुरू हुई नियति के साथ पूज्य गुरुदेव की जंग। यहां आकर उपचार के दौरान मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ती चली गई। अंत में मुझे वहां के डॉक्टरों की सलाह पर 10 नवंबर 2009 को रांची के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा अंत निकट आया जानकर मेरे परिवार के लोग मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल आने लगे। नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझे नियत 4 घंटे डायलिसिस पर रखे रहे थे। एक दिन अस्पताल के डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि किडनी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, इन्हें बदलवाकर ही मरीज को जिंदा रखा जा सकता है, वह भी कुछ ही समय के लिए। यह सुनकर मेरे बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। अपोलो के इलाज से निराश होकर श्रद्धा शैल जी व डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को इस विपत्ति के बारे में फोन पर बताया गया। उन्होंने कहा कि प्राण रक्षा के लिए वे हम सबके आराध्य देव आचार्य श्री एवं वंदनीय माता जी से प्रार्थना करेंगे। इधर गायत्री शक्तिपीठ हजारीबाग के समस्त परिजन भी मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए गायत्री उपासना करने लगे। सामूहिक रूप से की जा रही उपासना प्रार्थना 16 नवंबर को फलीभूत हुई। दोपहर का समय था। मुझे आभास हुआ कि पूज्य गुरुदेव व माताजी मेरे सिरहाने के पास आकर मेरा सिर सहला रहे हैं।
पूज्य गुरुदेव का स्नेहिल स्पर्श पाकर मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। मुझे सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, बेटे हॉस्पिटल बदलो। कहाँ जाना है, कब जाना है, किससे मिलना है, इन सब की व्यवस्था हमने कर दी है। परिवार के लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए देश के नामचीन अस्पतालों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। अंततः मुझे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लूर ले जाने का निर्णय लिया गया। जैसे तैसे हम वेल्लूर पहुंचे। वेल्लूर हॉस्पिटल जाकर पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के विशेषज्ञ डॉक्टर एक सप्ताह बाद मुलाकात हो पाएगी। यही प्रारंभ हुई गुरुवर की लीला। मैं व्हील चेयर पर बैठा युग ऋषि का ध्यान करने लगा। इसी बीच मेरे छोटे बेटे नरेंद्र को ऐसी अंतः प्रेरणा हुई कि वह बिना किसी की अनुमति लिए मेरे व्हील चेयर को दौड़ाते हुए नेफ्रोलॉजी विभाग में पहुंचा और विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजेश जोसेफ से के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। डॉक्टर जोसेफ ने हमें देखकर असहज भाव से पूछा, क्या बात है? नरेंद्र ने रांची के अपोलो में चले इलाज से लेकर अब तक की स्थिति की जानकारी देते हुए उनसे किडनी ट्रांसप्लांट करने की प्रार्थना की और अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट की फाइल उनके आगे रख दी। डॉक्टर जोसेफ ने रिपोर्ट देखकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल कल से ही मुझे आप जैसे किसी मरीज के आने का स्पष्ट पूर्वाभास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अगले दिन अकस्मात आने वाले किसी मरीज की अविलंब चिकित्सा के लिए मेरे प्रभु मुझे प्रेरित कर रहे हैं। सच पूछिए तो आज सुबह से मैं आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहते हुए वह स्वयं अपने हाथों से मेरा व्हील चेयर संभाल कर डायलिसिस कक्ष की ओर ले चल पड़े। लगभग 4 घंटे तक डायलिसिस चलने के बाद मुझे बाहर लाया गया। डॉक्टर जोसेफ ने नरेंद्र से मुस्कुराते हुए कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट करने का या भविष्य में कभी डायलिसिस पर रखने की नौबत नहीं आएगी। कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। सवेरे सवेरे डॉक्टर जोसेफ ने फोन पर निर्देश देकर ब्लड के विभिन्न टेस्ट करवाए। रिपोर्ट बता रही थी कि सुधार की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है। 3 दिन बाद पुनः ब्लड टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आश्चर्यचकित करने वाली थी। अब तक मैं व्हील चेयर से उठकर कुछ कदम टहलने लायक हो चुका था। इस बीच कभी डायलिसिस पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 25 दिसंबर को डॉक्टर जोसेफ ने अपने जन्मदिन पर एक समारोह का आयोजन किया। इसमें मेरा बेटा नरेंद्र भी आमंत्रित था। उन्होंने नरेंद्र के समक्ष इस तथ्य का उद्घाटन किया कि 4 घंटे तक चली मेरी गहन चिकित्सा के दौरान कोई देवी शक्ति उन्हें लगातार प्रोत्साहन तथा दिशा निर्देश दे रही थी। डॉक्टर जोसेफ की बातें सुनकर भाव विहलता में नरेंद्र की आंखें मूंद गई। उसे लगा कि सामने पूज्य गुरुदेव खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। दोस्तों, सच तो है, पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों की हमेशा रक्षा करते हैं। उन्हें किसी भी संकट से उबारने के लिए वो सारी हदें पार कर जाते हैं। जितना संभव हो सके प्रयास कर वे अपने शिष्यों की रक्षा जरूर करते हैं। जय गुरुदेव।